वेलकम टू यू डिजिटल क्लासेस SKU में आपका स्वागत है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज का मुख्य टॉपिक है इंसुलेशन, सूर्यतप। सूर्यतप क्या है, किसे कहते हैं, सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम सूर्यतप में सबसे पहले आपको हम बताएंगे उसका सामान्य परिचय, सूर्यतप का वितरण, सूर्यतप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वायुमंडल का तापमान और परोक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले सामान्य परिचय, सूर्यतप है क्या, किसको कहते हैं। तो एक सिंपल एवं सरल भाषा में सूर्यतप जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम सूर्यतप कहते हैं। सामान्यतः संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो सभी जगह सूर्यतप एक समान नहीं है। स्थान स्थान, अक्षांश देशांतर या क्षेत्र के आधार पर उसमें अंतर पाया जाता है। सामान्य परिचय में सबसे पहले पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। यह इस बात से विदित होता है कि साधारण दिन में सूर्य को प्रभावित से तापमान बढ़ जाता है, परंतु रात्रि में सब कारण से चंद्रमा, नक्षत्र, तारे आदि कार्यशील रहते हैं, फिर भी तापमान घट जाता। अतः स्पष्ट है सूर्य ही पृथ्वी का एकमात्र स्रोत है। अतः हम कह सकते हैं सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा को ही हम सूर्यतप कहते हैं। सूर्यतप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्यतप के वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं। सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को तीन ताप कटबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटबंध, समशीतोष्ण कटबंध और शीत कटबंध। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। पाया जाता है कि सर्वाधिक सूर्यतप भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है और ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इस प्रकार धरातल पर सूर्य तप का वितरण अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होता है। यदि पृथ्वी पर सूर्य तप के वितरण को देखा जाए तो उसके तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला, निम्न अक्षांशीय मंडल, इसका विस्तार कर्क और मकर रेखाओं के मध्य पाया जाता है। इसमें वर्ष भर सूर्य का ऊंचा तापमान प्राप्त होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर वर्ष में दो बार अधिकतम और दो बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है। दूसरा है मध्य अक्षांशीय मंडल, इसका विस्तार 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य है। इस क्षेत्र में वर्ष में कभी भी सूर्यतप शून्य नहीं रहता है। इस क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है। नंबर तीन, ध्रुवीय मंडल, यह मंडल 66.5 अक्षांश से ध्रुवों तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है। वर्ष के कुछ महीने में सूर्य के अभाव के कारण यहाँ सूर्यतप शून्य रहता है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी को तीन ताप कटबंधों में बांटा गया है। नंबर एक, उष्ण कटिबंध, नंबर दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और सबसे ऊपर है शीत कटबंध। संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग तापमान के आधार पर अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। अब अगला कारण है कि क्या कारण है कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान तापमान नहीं पाया जाता है। उसमें स्थान, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, निचाई या पृथ्वी की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान पाया जाता है। इसके अनेक कारण हैं जिसमें सूर्यतप विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का पाया जाता है या देखने को मिलता है। उसके अनेक कारण हैं जिसमें सूर्यतप के वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं। पृथ्वी के किसी भी भाग पर सूर्य ताप एक समान नहीं पड़ता है, अथवा उसमें उसकी मात्रा में अंतर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। धरातल पर सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन और रात की लंबाई का अंतर, वायुमंडल की मोटाई, सौर कलंक की संख्या,
वायुमंडल की अवस्था, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, धरातल का रंग एवं धरातल की प्रगति, ये विभिन्न कारक हैं जिनसे हमारा सौर्य ताप प्रभावित होता है। सबसे पहले धरातल पर सूर्य की किरणों का तिरछापन, इससे तात्पर्य यह होता है कि सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ती हैं वहाँ पर हमें सूर्य ताप अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। जैसे ही हम निम्न अक्षांश से ऊपर की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन होता जाता है, अतः हमें वहाँ से इंसुलेशन कम मात्रा में रिसीव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ पर अधिक मात्रा में सूर्य ताप मिलेगा तो वहाँ अधिक ताप मिलेगा, और जहाँ पर कम मात्रा में सूर्य ताप मिलेगा वहाँ पर कम तापमान हमें प्राप्त होगा। अगला कारण है दिन और रात की लंबाई का अंतर। दिन और रात की लंबाई के अंतर से तात्पर्य है जहाँ पर सूर्य दिन की लंबाई अधिक होगी वहाँ पर हमें सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, और जहाँ जिस गोलार्ध में दिन की लंबाई छोटी होगी तो वहाँ हमें सूर्य ताप कम मात्रा में प्राप्त होगा। अगला कारण है वायुमंडल की मोटाई। वायुमंडल की मोटाई से तात्पर्य है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे धूल कण बाष्प मौजूद रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश धरातल पर नीचे आता है तो उसको विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश धरती तक आता है तो उसमें ये सब कार्बन गैस धूल कण बाधा बनते हैं, अतः हमें धरातल पर कम मात्रा में सूर्य ताप रिसीव होता है। और जहाँ का आसमान बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा होता है वहाँ बिना रोक टोक के धरातल पर सूर्य का प्रकाश आ जाता है, तो वहाँ पर हमें अधिक मात्रा में इंसुलेशन प्राप्त होता है। अगला रीजन है सौर कलंक की संख्या। सौर कलंक की संख्या से तात्पर्य है हमारा कि सूर्य में काले स्पॉट पाए जाते हैं। काले स्पॉट ए स्पॉट क्या होते हैं, घटते रहते हैं, इनकी संख्या हमेशा एक नहीं रहती है, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब इन सौर कलंकों की संख्या अधिक होती है तो सूर्य ताप अधिक होता है, क्योंकि ये सौर कलंक जो होते हैं ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं। जब अधिक मात्रा में सौर कलंक होंगे तो अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जब कम मात्रा में ये सौर कलंक होंगे तो कम मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे हमारा सूर्य ताप प्रभावित होता है। अगला वायुमंडल की अवस्था, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी का तात्पर्य है कि जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल निकटतम हिस्से पर होगा तो हमें अधिक इंसुलेशन रिसीव होगा, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो हमें कम मात्रा में इंसुलेशन रिसीव होगा। अगला कारण है धरातल का रंग। धरातल के रंग से तात्पर्य है कि वहाँ पृथ्वी का रंग कैसा है, काला है, ककरीला, पथरीला, जो भी हो, धरातल का रंग जहाँ काला होता है तो काला क्या होता है कि प्रकाश को अधिक सोखती है, जो मात्रा वो गर्मी से हमें बढ़ाती है। जब प्रकाश अधिक सोखेगी काली मिट्टी तो उसका रेडिएशन अलग होगा तो उस इलाके में अधिक गर्मी होगी अन्य की अपेक्षा। धरातल की प्रकृति, प्रकृति से तात्पर्य है कि धरातल कैसा है, धरातल ककरीला, पथरीला, बालूमय, रेगिस्तानी, किस तरीके का है। तो जहाँ का धरातल चट्टानी होगा, ककरीला पथरीला होगा, वहाँ पर सूर्य ताप अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, क्योंकि ये जल्दी ही ये वाले इलाके गर्म हो जाते हैं और रेडिएशन हीट का अधिक मात्रा में होने लगता है। ये सब कारण हैं जो सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि अक्षांश तथा दिन की लंबाई के आधार पर यदि चित्र में देखा जाए तो जहाँ पर सूर्य ताप की मात्रा, सूर्य सीधा चमकता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पास, तो यहाँ अधिक हमें सूर्य ताप प्राप्त होता है। जैसे ही हम अक्षांश की ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन होता जाता है। जब सूर्य की किरणों का तिरछापन होता जाएगा तो वहाँ पर सूर्य ताप या सूर्य की किरणें कम मात्रा में पहुँच पाती हैं। जहाँ सूर्य की किरणें कम मात्रा में पहुँचेगी तो वहाँ स्वाभाविक है
कि वहाँ कम मात्रा में हमें इंसुलेशन प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जहाँ पर सूर्य तप सीधा चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है जिस क्षेत्र जिस इलाके में, वहाँ पर अधिक गर्मी होगी। उदाहरण के लिए देखा जाए तो भूमध्य रेखा पर अधिक गर्मी होती है क्योंकि वहाँ वर्ष में दो बार सूर्य सीधा चमकता है और वहाँ वर्ष में 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में हमें सौर्य तप प्राप्त होता है और अक्षांश से ऊंचाई पर जाने पर ये मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अब वायुमंडल की मोटाई, मोटाई से तात्पर्य यह होता है कि वायुमंडल का जो संगठन है विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल कण, जल वाष्प आदि से बना हुआ है। जब सूर्य की किरणें लघु तरंगों के रूप में हमारे धरातल तक आती हैं तो उन्हें कई स्तरों से पार होना पड़ता है। तो जहाँ ये सब अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं धूल कण वाष्प, तो वहाँ पार करने में किरणों को दिक्कत जाती है, अतः वो धरातल पर कम मात्रा में सूर्य तप को प्राप्त कर पाती हैं। और जहाँ पर जहाँ का आसमान अधिक मात्रा में साफ सुथरा होता है तो वहाँ बेरोक टोक सूर्य की किरणें धरातल तक आ जाती हैं और वहाँ पर हमें इंसुलेशन अधिक मात्रा में रिसीव होता है। वायुमंडल का तापमान, अब वायुमंडल किन विधियों द्वारा गर्म होता है और किन कहाँ कैसे हमें तापमान मिलता है, तो हमारा वायुमंडल निम्नलिखित भौतिक क्रियाओं द्वारा गर्म और ठंडा होता है। ये निम्नलिखित है, प्रत्यक्ष सूर्य तप द्वारा गर्म होना, हमारा जो वायुमंडल है प्रत्यक्ष डायरेक्ट सूर्य की किरणें हमारे धरातल तक आती हैं, धरातल से तप्त होकर उनका रेडिएशन होता है, इस तरीके से वायुमंडल गर्म होता रहता है। अगला है संचालन विधि द्वारा वायुमंडल का गर्म होना, संचालन विधि द्वारा कैसे वायुमंडल गर्म होता है। उदाहरण के लिए हम देखा जाए, यह एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी छड़ लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा गर्म होने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक संभव होती है जब तक दूसरा सिरा गर्म ना हो जाए। इसमें एक सिरे का दूसरे सिरे के तापमान में अंतर होना जरूरी रहता है और इसमें ताप का संचालन तब तक चलता रहता है जब तक एक सिरे का तापमान दूसरे सिरे के तापमान के बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से हमारा पृथ्वी गर्म होकर हीट का रेडिएशन करती है, फिर यही रेडिएशन जो वायुमंडल में ऊपर जाकर गर्म वायु के संपर्क में आ जाती है। इस तरीके से हमारा वायुमंडल ताप प्राप्त करता रहता है। संवहन विधि द्वारा भी हमारा वायुमंडल गर्म होता है कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में एक क्रिया अधिकांशता हमें देखने को मिलती है कि दिन में अधिक गर्मी पड़ती है तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और ऊपर वाली जो ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की ओर बैठती है, अतः इनमें संवहन क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिससे इस क्रिया द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होता रहता है। फिर विकिरण विधि द्वारा वायुमंडल का गर्म होना, विकिरण से तात्पर्य है रेडिएशन से। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु एक निश्चित सीमा तक गर्म होती है, फिर उसके बाद उससे रेडिएशन होने लगता है। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य के ताप से अधिक गर्म हो जाती है और फिर एक निश्चित मात्रा में उससे हीट का रेडिएशन होने लगता है, विकिरण होने लगता है जिससे हमारी वायुमंडल गर्म होता रहता है। वायु वाहन द्वारा वायुमंडल का गर्म होना, इसके लिए जिस क्षेत्र गर्मियों में ठंडियों में अलग अलग प्रकार की वायु पाई जाती है, गर्मी में गर्म वायु रहती है, ठंडी में ठंडी वायु रहती है। गर्मी में जब भयंकर लूदार हवाएं चलती हैं जिस क्षेत्र को में चलती हैं उस क्षेत्र का तापमान पूरी तरीके से गर्म होता चला जाता है। इस तरीके से वायुमंडल को हमारा तापमान मिलता रहता है।
चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी और सूर्य तप। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब परीक्षा में किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो अधिकांशता देखा गया है कि सबसे पहले पूछा जाता है सूर्य तप किसे कहते हैं, क्या है, तो हम सरल और सीधे शब्दों में उसका आंसर दे सकते हैं कि हमें जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को हम सूर्य तप या इंसुलेशन कहते हैं। दूसरा है सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। वायुमंडल के गर्म होने की विधियाँ, तो वायुमंडल की गर्म होने की अनेक विधियाँ हैं, विकिरण विधि है, संवहन विधि है, संचालन विधि है, ये सब विधियाँ वायुमंडल के गर्म होने की हैं। धन्यवाद।